इंडिया गठबंधन को इतना प्रमुख लग रहा है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे। प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ दीजिए, अभी तक संयोजक नहीं बनाया। जेडीयू का पूरी तरह समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के गढ़ में 24 दिसंबर को रैली करने वाले हैं। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार बबलू, बीजेपी के MLA हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। देखिए, जेडीयू का क्या हाल है ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में, बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या है कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीज़ों से बचने के लिए ये तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो कई चीजों से उत्साहित होते हैं, यहाँ पे शराबबंदी है, वहां शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाए। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए शराब पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि 1-to-1 फाइट का जो है 1-to-1 फाइट होगा एनडीए से और इंडिया से, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़े नेता है तो वहां जा रहे हैं चैलेंज के लिए। बार नीतीश कुमार जी मोदी जी के खिलाफ में प्रयास कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी यहाँ बिहार में चुनाव लड़के देखे कि 2 सीट पर भाजपा के खिलाफ सिमट गए, तो ये इनका प्रयास हम कहेंगे नीतीश कुमार जी को, हमारे भी आदरणीय रहे हैं, हम उनको जरूर कहेंगे कि अगर थोड़ा सा भी क्षमता बचा हुआ है तो उस क्षमता का अपना एहसास जरूर करना चाहिए, बनारस में जाके वो चुनाव जरूर लड़े। हम उनको कहना चाहेंगे, कहे कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां जाके उनके खिलाफ लड़के ट्राई कर चुके हैं, अब नीतीश कुमार जी अंतिम नेता होंगे, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे। हम जरूर कहेंगे कि जरूर अपनी क्षमता का एहसास कराना चाहिए, जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। कहा ये जा रहा है कि जो गंगा का असली, गंगा माँ के असली बेटा है और फर्जी बेटा है, फर्जी और असली बेटा की लड़ाई है, दोनों लड़ाई है, गोद में उसी को लेगी जो असली बेटा है। देखिए, गंगा माँ का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जब आई सरकार में तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके पूरा गंगा माँ को शुद्ध करने का, जो मैली गंगा हो गई थी पिछले सरकार में उसको भी शुद्ध करने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी गंगा माँ के लिए कुछ किए हैं क्या? आज तक दियो जलाए हैं गंगा माँ के किनारे में जाकर के? नीतीश कुमार जी को भगवान से मतलब नहीं है, ईश्वर से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, वो दूसरे धर्म को संतुष्ट करने में, राजनीति रोटी सेकने में लगे रहते हैं, तो गंगा माँ का सेवा क्या जानेंगे? गंगा माँ का पुत्र कैसे बन जाएंगे? अभी गंगा माँ का पुत्र बनना तो पहले जाके गंगा माँ का सेवा तो करें, एक दिन में गंगा आरती जाके कर लेंगे तो हम लोग समझेंगे गंगा माँ के पुत्र बन रहे हैं। एक तरफ जहां गठबंधन सर बोल रही है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये तो अंगड़ाई क्या है, 3 स्टेट देख दिया है, कितना बड़ा रिजल्ट आया है, कहीं इनको कुछ मिलता तो हम लोग समझते कि अंगड़ाई है। जदयू सीधे तौर पर समझ लीजिए पूरी तरह समाप्ति की ओर है और जदयू के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं, कहीं हमको जगह दे दो, कहीं हमारा सीट दे दो, कोई लोकसभा मांग रहा है, कोई विधानसभा मांग रहा है, ये दशा है जदयू का। अब जदयू की क्या बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि प्रमुख चेहरा है, वही एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से आपके कहने से प्रमुख चेहरा है कि गठबंधन के लोगों के कहने से प्रमुख चेहरा है? कहे नहीं प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहा है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इतना प्रमुख लग रहा है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे। प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ दीजिए, अभी तक संयोजक नहीं बनाया, दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के इनको फेंक दिया गया है। नीतीश कुमार जी का यही हालत है, कहीं कोई पूछ नहीं है, इसलिए वो मुंबई से भाग करके गठबंधन के मीटिंग से भाग करके चले आए थे, तो कहीं उनका कोई गठबंधन में पूछ नहीं। बिहार मॉडल को लेकर के बनारस जा रहे रैली के लिए, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि खूब जोर शोर से तैयारी भी हो रही है, वहाँ के भी नेता बुला रहे हैं। कार्यकर्ता जरूर जोर शोर से जाएंगे, कार्यकर्ता को आनंद का समय मिलेगा। आखिरी आखिरी सवाल है, 5 राज्यों में चुनावी परिणाम देखने को मिला, 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई, क्या लगता है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या परिणाम? अरे भैया, ये अस्पष्ट संदेश है देश के जनता का
कि बड़े बड़े राज्यों में भारी बहुमत से जीत हुई है और आने वाले 24 में 350 के पार जाएगा। ये जनता का मैसेज है, ये जनता का संदेश है और रिजल्ट ये बताता है कि मोदी जी पुनः हैट्रिक लगाएंगे। कहे कि मोदी के गारंटी का जो एक वादा है वो पूरा हो रहा है, तो आने वाले समय में भी मोदी हैट्रिक मारेंगे, ये जनता ने इशारा कर दिया।